गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ आवर सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 8. सो वी ऑलरेडी डिड सो मैनी चैप्टर्स ऑफ आवर सोशल साइंस पॉलिटिकल बुक, दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3. ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर पॉलिटिकल बुक, दैट इज चैप्टर 10, लॉ एंड सोशल जस्टिस. वॉट डू यू मीन बाय लॉ? क्या समझते हैं हम लॉ से? लॉ मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल which takes actions against the crimes or injustice works. एक ऐसा institution, एक ऐसा group of people जो किसी भी गलत काम के खिलाफ या किसी भी crime के खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ जो injustice है, मतलब सही नहीं है, उसके against में work करते हैं. And social justice, ठीक है? तो law and social justice यानी कि एक ऐसा group जो लोगों के सही का साथ देता है. So this is the part 1 of our chapter 10, law and social justice. Now we are starting with our new chapter. Do you recall the story of a shirt from your class 7th book? We saw there that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of a shirt in the supermarket. Buying and selling was taking place at every step in the chain. सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है? फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि लास्ट ईयर यानी कि जब हम क्लास 7th में थे, जब हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें एक स्टोरी ऑफ शर्ट थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो एक शर्ट हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 रुपीज़ की आती है, क्या वो एक्चुअली में उतने की होती है या फिर वो उतने की दी जाती है ज़बरदस्ती, कि या उसका प्रोडक्शन में वाकई में इतना मनी लग रहा है, और क्या शर्ट एक ही जगह से बन रही है, सब काम उसका एक ही जगह से तो और हमें आके मिल जाती है? नहीं. उस समय हमने देखा था कि उस एक शर्ट को बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का या बहुत एक कंटिन्यूसली चेन होती है. कहीं से पहले कॉटन फार्मर ग्रो करेगा, फिर कॉटन को कोई एक जना सेल करेगा, मार्केट में कोई परचेज करेगा, है ना? जब उसकी सेल होगी कॉटन की और उसको कोई ना कोई परचेज करेगा, तो वो उसको आगे बेचेगा ताकि लोग उसके थ्रेड बना सके. तो जिनको थ्रेड बनाना है वो उससे लेके जाएंगे यार्न बनाने के लिए, फिर जब यार्न बन जाएंगे तो उससे क्लॉथ बनाने के लिए वीवर लेके जाएगा जो कपड़ों को वीव करता है. फिर क्या करेगा वो वीवर, जब क्लॉथ बन जाएगा तो वो शर्ट इंडस्ट्री में जाएगा जहाँ पे शर्ट कॉटन क्लॉथ चाहिए होता है, तो वहाँ पे शर्ट बनेगी, प्रिंटिंग होगी उससे, है ना? पहले क्लॉथ जाएगा, फिर लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट होगा, फिर वो आगे जाएगा कलर्ड होगा, फिर उसके आगे जाएगा तो फिर वहाँ पे जाके उसकी कटिंग होगी और शर्ट सिली जाएगी, है ना? उसके बाद वो उस इंडस्ट्री से निकल के मार्केट में आएगी. मार्केट में आएगी तो कहाँ आएगी? पहले होलसेल शॉप्स पे आएगी, फिर होलसेल शॉप से जो रिटेलर्स यानी जिनसे हम खरीदने जाते हैं उनके पास आएगी. इसका मतलब, या फिर हो सकता है कई बार कि एक डिस्ट्रिक्ट से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी चीज़ें जाती हैं, तो क्या होगा कि फिर वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी होगी, मतलब बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी आया. तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितने कंटिन्यूस चेन ऑफ वर्क है, कितने लोगों ने मिलकर काम करा जब जाके एक जो शर्ट थी वो रेडी हुई. फाइव, तो इसमें यही बोला गया है कि एक चीज़ को का प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ एक प्रॉपरली एक ह्यूमन बींग नहीं, बल्कि बहुत सारे वर्कर्स की चेन होती है. मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट, द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, द वीवर्स ऑफ इरोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन और एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट. Markets everywhere tend to be explosive of people, whether as workers, consumer or producers. अभी जो हमने डिस्कस करा इससे पहले, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस अर्लियर, मैंने आपको अभी ये पहले ही समझा दिया, फिर भी मैं आपको एक बार वापस बताऊँगी. इस पैराग्राफ में वही बोला गया है कि अगर एक शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो पहले फार्मर ने कॉटन का फार्मिंग की, फिर उसको वीवर ने परचेज किया, फिर वो वर्क क्या हुआ, उससे क्लॉथ बना, तो वर्क गारमेंट इंडस्ट्री में गई, फिर एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में गई जहाँ पे या फिर एक्सपोर्ट होता है, फिर क्या हुआ उसका मार्केट तक गई. मार्केट में क्या होता है, वहाँ पे अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट, मतलब डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशंस क्या है. कई बार मार्केट के प्राइजेस बहुत हाई भी होते हैं जो एक्चुअली में शर्ट की कॉस्ट नहीं होती.
मार्केट्स किसी भी जगह का हम देख लें तो वो क्यों, जो भी मार्केट में ट्रेंड होता है वो डिपेंड किस पे करता है, पीपल पे। अगर वहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डिपेंड है, तो मार्केट में प्राइजेस चीज़ों के हाई होंगे। अगर मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है तो वहाँ पे प्राइजेस कंपैरेटिवली कम होंगे। तो मार्केट की जो भी कंडीशन है वो पूरी तरह किस पे डिपेंड करती है, वर्कर्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे। वर्कर यानी जो काम करते हैं, कंज्यूमर्स यानी जो कंज्यूम यानी कि हम जो डिमांड करते हैं, और प्रोड्यूसर्स यानी जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं या सेल करते हैं। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉस। पर इस एक्सप्लॉयटेशन से, क्योंकि हो सकता है कि प्रोड्यूसर घर को चाहता है कि उसकी शर्ट सपोज कॉस्ट 200 की, लेकिन वो चाहेगा कि नहीं मैं तो 200 और बेनिफिट कमाऊंगा इसलिए इसको 400 की बेचूंगा। तो क्या ये सही है? नहीं। इसको हम बोलते हैं मार्केट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब मार्केट को एक्सप्लॉयट करना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी कुछ लॉस होते हैं। दीज लॉस ट्राई टू एंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर कैप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट। और इस मार्केट चीज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लॉस के अगेंस्ट जाता है मार्केट में, तो उसको अनफेयर मीन्स मान के पनिशमेंट दी जाती है। यस, अब हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक सिंपल सी मार्केट की सिचुएशन लेंगे जहाँ पे जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेस। और सबसे मेन इशू क्या आता है? वर्कर्स की वेजेस का। वर्कर्स यानी जो काम करते हैं, एंड वेजेस यानी देयर इनकम, जो मनी उनको मिलता है इन कॉस्ट ऑफ वर्क, मतलब काम करने के बदले में, उसको हम वेजेस बोलते हैं। ठीक है, वॉट एवर द वर्कर्स गेट्स इन कॉस्ट ऑफ They are called wages, उसको हम wages कहते हैं। Private companies, contractors, business purpose normally want to make as much profit as they can। और जितने भी अगर हम देखें कि private companies होती हैं या कोई contractor होता है, मतलब जो contract पे काम करता है, या कोई भी business purpose होता है, उनका aim क्या होता है? Profit maximization, मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा profit करना। In the drive for profit, they might deny workers their rights and not pay them wages। अगर और फिर क्या करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, प्राइवेट कंपनीज़ का या किसी भी बिजनेसमैन का क्या सबसे बड़ा मोटिव होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो उस प्रॉफिट को करने के लिए वो चीज़ों की प्राइस ज़्यादा हाई नहीं कर सकते, अदरवाइज दूसरी कंपनी की अगर प्राइस लो है तो लोग उसको परचेस करना बैड ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइजेस को सेम रखते हैं, लेकिन जो भी वर्कर्स की वेजेस हैं उनको राइट टाइम पे नहीं देते या फिर उनको कम देंगे। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वर्कर्स के साथ प्रॉपर बिहेवियर नहीं होता, मतलब उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और वर्क टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस, कि किसी भी वर्कर को उसकी वेजेस, मतलब उसके का जो मनी है वो देने से कोई मना नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो इलीगल है। सिमिलरली, टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और आर पेड फेयरली। और सेकेंड, ये चीज़ ढंग से ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जितने भी वर्कर्स हैं वो अंडरपेड, अंडरपेड मतलब क्या होता है, अंडर यानी कि जितनी उनकी काम करने की वैल्यू है उससे कम नहीं होना चाहिए। सपोज़ कोई फुल डे वर्क कर रहा है और उसको जस्ट ₹200 मिल रहे हैं, तो वो गलत है। अगर वो उसका 400 चार्जेस है तो उसको 400 ही मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसे भी होते हैं अंडरपेड, अंडरपेड यानी कि ज़रूरत से कम मिलना। ठीक है, जितना होना चाहिए उससे कम। तो कोई भी वर्कर अंडरपेड नहीं होना चाहिए, दे आर फुल्ली पेड, पूरी ढंग से पे उनको करना चाहिए, फुल्ली एंड फेयर। देयर इज़ अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, और इसके लिए भी एक अलग से लॉ है जिसमें मिनिमम वेजेस डिसाइड की गई हैं और कोई उससे कम नहीं दे सकता। अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज, और किसी भी वर्कर को उस लेस जो मिनिमम वेज है उससे कम नहीं दी जा सकती बाय द एम्प्लॉयर। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स, और जो भी मिनिमम वेज है वो हर बढ़ते हुए साल में कम कर दी जा रही है।
मतलब कि जो उनकी मिनिमम वेजेस सपोज आज थी ₹200, तो जैसे जैसे साल बढ़ रहे वो भी कम होती जा रही है, सॉरी कम नहीं होती, मतलब जो कम मिनिमम वेज है वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गो अपवर्ड्स। जैसे आज 100 है, सपोज 2020 में 100 थी, तो 21 में कितनी हो जाएगी, वो बढ़ेगी 150, फिर हो सकता है 2022 में वो 175 हो जाए या 200 हो जाए। तो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं, जो वर्कर्स की मिनिमम वेज है वो भी अपवर्ड जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। As with the law of on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market. जैसा कि workers के लिए law होता है जिसमें उनकी wages को protect करना government का काम है, इस तरीके से किसी भी industry के producer और consumer के लिए भी law होते हैं। Then these help ensure that the relations between these three parties, the worker, the consumer and the producer are governed in a manner that is not exploited. ये लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन होता है कंज्यूमर प्रोड्यूसर और वर्कर के बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि चेन है ना, वर्कर काम नहीं करेगा तो चीज़ क्या बिकेगी, कंज्यूमर क्या खरीदेगा और प्रोड्यूसर किस चीज़ को बेचेगा, जब प्रोडक्ट वर्कर नहीं होंगे प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन कैसे होगा, और कंज्यूमर को चीज़ चाहिए है ना, हमें हमारी नीड सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स चाहिए, अब वो गुड्स चाहिए तो हमें क्या क्या होना चाहिए, वर्कर, क्यों, वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन होगा तो प्रोड्यूसर सेल करेगा। तो इन तीनों के रिलेशन को सही रखने के लिए, या किसी के साथ भी किसी एक के साथ गलत ना हो, उस चीज़ को बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक के लिए अलग अलग लॉ बनाए हैं। Table 1 provides some of important laws relating to the protection of these various interests. और इस table 1 में ऐसे ही कुछ interest के बारे में discuss किया गया है, जिसको आप read कीजिए, उसके बाद हमें next video में इस table को detail में discuss करेंगे। Thank you.